हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू ऑल अगेन इन द सेशन। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है इस एसआर ग्रुप कॉलेज की क्लास में, जहां पे आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूं काफी कमाल के लेक्चर, जो कि आपके इंग्लिश स्पीकिंग स्किल के लिए काफी ज्यादा यूजफुल है, काफी ज्यादा हेल्पफुल है। और ये ऐसे स्ट्रक्चर है जिसकी मदद से आप अपनी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं। एज यूजुअल मेरी ये भी वीडियो है जो कि आपकी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करेंगी, क्योंकि इस वीडियो में भी मैं आप लोगों को कुछ ऐसे अच्छे से और एडवांस स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने वाली हूँ जो कि आपने यूज़ करना है और इसको अपनी डेली लाइफ में प्रैक्टिस करके इसको स्पीक करना है इंग्लिश में। सो ये काफ़ी इम्प्रेसिव और काफ़ी कमाल का स्ट्रक्चर है। सो यू मस्ट हैव टू बी विद अस, हमारे साथ आपको बने रहना है इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लर्नेबल होने वाली है। सो नाउ गाइस, लेट्स मूव अहेड टुवर्ड्स नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं, आज डे 30 है। आज डे 30 क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। एंड अपनी अगली क्लास में मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगी, जब मैं आऊँगी इस बार अपनी क्लास को लेके, तो काफ़ी अच्छी से चीज़ें, काफ़ी अच्छे अच्छे कंटेंट लेके आऊँगी, ताकि आप अपनी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल को और अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं। अभी मैंने आप लोगों को डे 1 टू डे 30 तक वीडियो प्रोवाइड की है, तो डे 29 तक वीडियो प्रोवाइड की है। तो अगर आपने अभी तक उसे नहीं देखा है तो जाइए जल्दी से देखिए, क्योंकि वो बेस है, दिस इज़ द बेस जो मैंने स्ट्रक्चर प्रोवाइड किए हैं, ये अभी बेस है जिसकी मदद से आप अपनी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं। एंड आगे मैं जब अपनी क्लास को बढ़ाऊँगी, स्टार्ट करूँगी, सो उसमें आप लोग देखेंगे किस तरह की एडवांस चीज़ें और बेसिक चीज़ें आप किस तरह से अपनी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल में यूज़ कर सकते हैं। बट द थिंग इज़ दैट कि अभी अगर आप लोगों ने वो सारी वीडियो नहीं देखी है, तो पहले जाइए उन वीडियो को देखिए, उन वीडियो को कवर करिए, ताकि आप इस पर अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें, अच्छे से अपनी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल को इम्प्रूव कर सकें। एटलीस्ट आपको वर्ब के बारे में नॉलेज हो जाएगा, क्योंकि मैंने अपनी पहली वीडियो में आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा वर्ब प्रोवाइड किए हैं, साथ में सेंटेंस भी प्रोवाइड किया है कि आपको किस तरह से सेंटेंस की स्टार्टिंग करनी है, क्या क्या चीज़ें इंग्लिश स्पीकिंग स्किल में यूज़ करना है। तो ये सारी चीज़ें मैंने अपने डे 1 की क्लास में बताया है। डे 2 की क्लास में भी मैंने बेसिक्स सारी चीज़ें, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं। तो अभी तक अगर नहीं देखा है तो बिल्कुल जाइए, ज़रूर जाइए, देखिए और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करिए। सो आज ये डे 30 है, और इस डे 30 की क्लास में मैं आप लोगों को बहुत ही कमाल के स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने वाली हूँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। सो एज यू नो वेरी वेल गाइस कि आज हम लोग सीखने वाले हैं स्ट्रक्चर। सो सबसे पहले हम देख लेते हैं किस तरह के स्ट्रक्चर आज हम लोग सीखने वाले हैं, किस तरह के स्ट्रक्चर को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, विच इज़ द स्ट्रक्चर वी आर गोइंग टू कवर टुडे। सो यहाँ पे सबसे पहला यूज़ है व्हाट ऑल डिड का। आज जो हम स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं वो स्ट्रक्चर है व्हाट ऑल डिड का। सेकेंड हमारा स्ट्रक्चर है इफ यू इंसिस्ट का। थर्ड हमारा है बिलीव इट और नॉट का। एंड फोर्थ यूज है मीन्स नथिंग टू मी। ठीक है, मीन्स नथिंग टू मी यहाँ पे आपको यूज करना है। फिर दिस इज नॉट द वे टू। तो आज हम लोग इन 5 स्ट्रक्चर को कवर करने वाले हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा कमाल के स्ट्रक्चर हैं, बहुत ही ज़्यादा लर्नेबल और बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे स्ट्रक्चर के तरफ और देखते हैं आज का हमारा पहला स्ट्रक्चर। सो गाइस, अगर आप लोगों को कहना हुआ, यहाँ सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल से समझाती हूँ। अगर आपको कहना हुआ आपने क्या क्या खाया, सपोज दैट आप किसी शादी में गए और फिर उसके बाद आप वहाँ से रिटर्न होके घर पे आए, तो आपके फ्रेंड लोगों ने, आपके पेरेंट्स ने कहा आपने वहाँ पे क्या क्या खाया, या फिर आप किसी होटल में गए या फिर अपने फ्रेंड के साथ पार्टी में गए, तो उसके बाद जब आए तो आपके दोस्तों ने कहा, आपके फैमिली मेम्बर ने पूछा कि आप वहाँ पे गए तो थे पर आपने क्या क्या खाया, या फिर आपने क्या क्या लिया। मतलब यहाँ पर सपोज दैट आप कहीं पर मार्केट गए हों कुछ चीज़ें लेने के लिए, एंड देन यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं कि किसी से अगर आपको पूछना हुआ कि आपने क्या क्या लिया, आप मार्केट गए थे चीज़ों को लेने के लिए, तो आपने क्या क्या लिया। या फिर अगर आपको कहना हुआ आपने क्या क्या किया, कि आपने क्या क्या किया, या फिर अगर आपको कहना हुआ आप कहाँ कहाँ गए,
सपोज दैट आप कहीं घूमने के पर्पज से जाएं और फिर उसके बाद जब रिटर्न हो घर पे, तो आपने कहा मैं बहुत सारी जगहों पे गया था, तो आपके फ्रेंड ने कहा कि अच्छा आपने आप कहाँ कहाँ गए, ओके कहाँ कहाँ गए थे, या फिर कहाँ कहाँ गए, कहाँ कहाँ चीज़ें, कौन कौन सी चीज़ें घूमी आपने, कौन कौन सी चीज़ें देखी। तो जब भी हम बात करते हैं कहाँ कहाँ कैसे कैसे क्यों क्या क्या, तो वहाँ पे हम किस तरह से इन सारे सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने के लिए मेरे पास बहुत ही कमाल का स्ट्रक्चर है आप सभी लोगों के लिए। स्ट्रक्चर है कुछ ऐसा, स्ट्रक्चर है हमारा ये, क्वेश्चन मार्क ऑल डिड यू का वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर यहाँ पे अदर वर्ड यूज करना है, फिर क्वेश्चन मार्क यूज करना है, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड यूज करना है, ऑल डिड यू का यूज करना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर अदर वर्ड का यूज करना है, फिर यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क का यूज करना है, ठीक है। बहुत ही कमाल का स्ट्रक्चर है ये। अभी जैसे मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल से तो समझाया ही, चलिए कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे अगर आपको कहना हुआ आपने क्या क्या खाया, ओके आपने क्या क्या खाया, तो कैसे बोलेंगे, What all did you eat? What all did you eat? मतलब आपने क्या क्या खाया, What all did you eat? अगला एग्जाम्पल है आपने क्या क्या लिया, आप मार्केट तो गए थे तो आपने क्या क्या लिया, कैसे इंग्लिश में बोलेंगे, What all did you take? What all did you take? मतलब आपने क्या क्या लिया। तो ये रहा आज का हमारा पहला स्ट्रक्चर जो कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं ऐसे लोगों से पूछने के लिए। सो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और लेते हैं कुछ और एग्जांपल ताकि आपको ये स्ट्रक्चर और अच्छे से समझ में आ जाए। सो यहाँ पे हमारा जो पहला अगला सेंटेंस है वो है आपने क्या क्या किया, आपने क्या क्या किया, ओके सपोज दैट आप किसी काम के बारे में ले लीजिए, तो यहाँ पे आप एज ए यूज कर सकते हैं आपने क्या क्या किया, कैसे बोलेंगे, व्हाट ऑल डिड यू डू, व्हाट ऑल डिड यू डू, मतलब आपने क्या क्या किया। अगला एग्जांपल है आप कहाँ कहाँ गए, ओके आप कहाँ कहाँ गए। सो जैसे कि मैंने आप लोगों को एक एग्जाम्पल ऐसा प्रोवाइड ही किया था कि इसको किस तरह से आप बोल सकते हैं, तो लाइक दैट यू कैन स्पीक हियर कि सपोज आप कहीं पे घूमने के पर्पज से गए, फिर उसके बाद आप वहाँ पे रिटर्न हो और आपके दोस्त लोगों ने पूछा आप कहाँ कहाँ गए, या फिर आपके दोस्त लोग कहीं पे गए घूमने के पर्पज से और लौटे, आपने उनसे कहा आप कहाँ कहाँ गए, या फिर कहाँ कहाँ गए थे, वेयर ऑल डिड यू गो, वेयर ऑल डिड यू गो, मतलब आप कहाँ कहाँ गए। नेक्स्ट है आप किनसे किनसे मिले, ओके सपोज दैट आप कहीं पे गए ओके शादी में, फिर उसके बाद आप घर पे आए और आपकी फैमिली मेंबर ने पूछा कि वहाँ पे कौन कौन आया था और आपने किन किन से मिले, आप किनसे किनसे मिले, कैसे बोलेंगे, हुम ऑल डिड यू मीट, हुम ऑल डिड यू मीट, आप किनसे किनसे मिले। अगला एग्जांपल है आपने कैसे कैसे बनाया, सपोज दैट कोई चीज़ किसी ने बनाई है ओके आपको देखने में बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, तो आपने उससे पूछा आपने इसे कैसे कैसे बनाया, ओके तो कैसे इंग्लिश में बोलेंगे, हाउ ऑल डिड यू मेक, हाउ ऑल डिड यू मेक, आपने कैसे कैसे बनाया। तो ये रहा आज का हमारा पहला स्ट्रक्चर जो कि काफ़ी कमाल का है, इसकी मदद से आप अपनी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल को बहुत ही अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं और काफ़ी सारे सेंटेंसेस से रिलेटेड बोल सकते हैं इन इंग्लिश, ओके। सो चलिए आगे बढ़ते हैं और लेते हैं कुछ हमारे अगले स्ट्रक्चर की ओर बढ़ते हैं। सो यहाँ पे हमारा है अगला स्ट्रक्चर, सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल प्रोवाइड करती हूँ। नाउ यू हैव टू सी, आपको देखना है कि नाउ यू हैव टू सी दैट कि आप इन सेंटेंस को इंग्लिश में बोल पाते हैं, बना पाते हैं या नहीं। चलिए यहाँ पे है सेंटेंस, अगर आप जोर देते हैं तो मैं वहाँ जाऊँगा, या फिर आपको कहना हुआ अगर आप जोर देते हैं तो मैं लिखूँगा, या फिर आपको कहना हुआ अगर आप जोर देते हैं तो मैं आपका काम करूँगा।
अगर आप जोर देते हैं तो मैं उससे बात करूंगा। कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? Guess, do you have idea that how to speak these types of sentence in English? इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, क्या आपको पता है? चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं है, हम बढ़ते हैं हमारे स्ट्रक्चर की ओर। देखते हैं इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए हम कौन से स्ट्रक्चर को यूज़ करते हैं। सो यहाँ पे बहुत ही कमाल का स्ट्रक्चर है, और वो स्ट्रक्चर है इफ यू इंसिस्ट का। इंसिस्ट मतलब क्या होता है? जोर देना, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले यूज करना है इफ यू इंसिस्ट, फिर यहाँ पे आपको यूज करना है सब्जेक्ट, फिर यहाँ पे आपको विल का यूज करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, एंड अदर वर्ड का, ओ डब्ल्यू लिखा हुआ है यहाँ पे, आपको अदर वर्ड का यूज करना है, ठीक है। अदर वर्ड और ऑब्जेक्ट यू कैन यूज हियर। सो इसका मतलब तो आप लोग जान ही गए होंगे कि इसका मतलब क्या होता है, अगर आप जोर देते हैं तो, ठीक है। चलिए, इससे रिलेटेड हम कुछ सेंटेंस लेते हैं और उसको स्पीक करते हैं, जैसे कि अगर आप जोर देते हैं तो मैं वहाँ जाऊँगा, अगर आप जोर देते हैं तो मैं वहाँ जाऊँगा। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, अगर आप जोर देते हैं तो मैं वहाँ जाऊँगा? सिंपली आप यूज़ कर सकते हैं इफ़ यू इंसिस्ट। अब यहाँ पे सबसे पहले हम यूज़ करेंगे इफ़ यू इंसिस्ट का, फिर यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है मैं, कौन जाएगा वहाँ पे? अब इसका तो यही होता है अगर आप जोर देते हैं तो, मतलब इफ़ यू इंसिस्ट, अब मैं वहाँ जाऊँगा तो मैं, मतलब सब्जेक्ट हमारा हो गया मैं की इंग्लिश आई विल। अभी काम क्या हो रहा है, जाने का, तो जाने की इंग्लिश क्या होती है? गो। अब गो के बाद क्या यूज़ करना है? अदर वर्ड, तो अदर वर्ड हमारा क्या है, कहाँ जाना है? वहाँ, तो वहाँ की इंग्लिश देयर। इफ़ यू इंसिस्ट आई विल गो देयर, अगर आप जोर देते हैं तो मैं वहाँ जाऊँगा। अगला एग्जाम्पल है, अगर आप जोर देते हैं तो मैं लिखूँगा, अगर आप जोर देते हैं तो मैं लिखूँगा, कैसे बोलेंगे? इफ़ यू इंसिस्ट आई विल राइट, इफ़ यू इंसिस्ट आई विल राइट। तो ढेर सारे सेंटेंस इससे रिलेटेड आप क्रिएट कर सकते हैं, और काफ़ी अच्छे से अपने इंग्लिश में इसको यूज़ करके इंग्लिश अच्छे से बोल सकते हैं। अब ऐसे सेंटेंस तो आप काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं, सो नाउ यू हैव टू स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश, ओके? सो अगर आप जोर देते हैं तो मैं लिखूँगा, ठीक है, कैसे बोलेंगे? इफ़ यू इंसिस्ट आई विल राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं और लेते हैं कुछ और एग्जाम्पल इसे अच्छे से समझने के लिए। तो यहाँ पे हमारा अगला एग्जाम्पल है, अगर आप जोर देते हैं तो मैं अंग्रेजी सीखूंगा। किसी ने, सपोज दैट आपके पेरेंट्स ने कहा अंग्रेजी सीख लो, नहीं तो क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत काम आएगा, तो आपने कहा नहीं मैं नहीं सीखूंगा, फिर आपके फैमिली वालों ने जोर देना, मतलब कि जिद करना स्टार्ट कर दिया, तो आपने कहा कि अच्छा ठीक है, अगर आप जोर देते हैं तो मैं अंग्रेजी सीखूंगा, कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? इफ यू इंसिस्ट आई विल लर्न इंग्लिश, If you insist, I will learn English. मतलब अगर आप जोर देते हैं तो मैं अंग्रेजी सीखूंगा। अगला एग्जाम्पल है, अगर आप जोर देते हैं तो मैं उससे पूछूंगा, अगर आप जोर देते हैं तो मैं उससे पूछूंगा, कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? If you insist, I will ask him. If you will, I'll ask him. मतलब अगर आप जोर देते हैं तो मैं उससे पूछूंगा। अगला एग्जाम्पल है, अगर आपको कहना हुआ अगर आप जोर देते हैं तो मैं उससे बात करूंगा, कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? If you insist, so I will talk to him. If you insist, so I will talk to him. मतलब अगर आप जोर देते हैं तो मैं उससे बात करूंगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, अगर आप जोर देते हैं तो मैं यह काम करूंगा, ठीक है, अगर आप जोर देते हैं तो मैं यह काम करूंगा, कैसे इंग्लिश में बोलेंगे इसको? सिंपली आप बोल सकते हैं इफ यू इंसिस्ट आई विल डू दिस वर्क, इफ यू इंसिस्ट आई विल डू दिस वर्क। मतलब अगर आप जोर देते हैं तो मैं यह काम करूंगा। तो
काफी कमाल का स्ट्रक्चर है, काफी कमाल के सेंटेंस है जो मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किया है। दैट्स द रीजन दैट कि मैं स्ट्रक्चर के साथ आप लोगों को प्रैक्टिस सेंटेंस भी प्रोवाइड करती हूँ, ताकि आप इसमें प्रैक्टिस करके अपने इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकें, इंग्लिश को बोल सकें। ठीक है, सो यू हैव टू प्रैक्टिस अबाउट ऑल दीज सेंटेंसेज, आपको इस पर प्रैक्टिस करना है अगर आप अपने इंग्लिश स्पीकिंग स्किल को मजबूत करना चाहते हैं, इम्प्रूव करना चाहते हैं, इंग्लिश बोलना चाहते हैं, तो इस पर प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले स्ट्रक्चर की ओर एंड देखते हैं आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर। सो अगला स्ट्रक्चर है मानो या ना मानो भारत मैच जीतेगा। अब ऐसे सेंटेंस आप बहुत ज्यादा बोलते हैं, ऐसे कहते हैं मानो या ना मानो मैंने तुम्हें बताया था, मानो या ना मानो मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मानो या ना मानो मैंने उसे कल वहां देखा था। अभी सेंटेंस देखते हैं, मानो या ना मानो मैंने उसे कल देखा था, या फिर आपको कहना हुआ मानो या ना मानो तुम अंग्रेजी सीख सकते हो। सपोज दैट कोई बहुत ज्यादा डीमोटिवेट हो जाए और होप छोड़ दे, मतलब अगर वो काफ़ी ज़्यादा ट्राई हार्ड ट्राई कर रहा है इंग्लिश सीखने की, बट स्टिल ही अनेबल टू लर्न दैट, सो उसने कहा कि अब मुझसे नहीं होगा, तो आपने कहा मानो या ना मानो तुम अंग्रेजी सीख सकते हो। ओके, तो इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? डू यू हैव गाइस एनी आइडिया? इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने के लिए मेरे पास है काफ़ी कमाल का स्ट्रक्चर जो कि काफ़ी यूजफुल है, और वो स्ट्रक्चर है बिलीव इट और नॉट का। काफ़ी कमाल का स्ट्रक्चर है, इसको हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ में, इसको स्पीक करते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि यहाँ पे हमारा है पहला जो जो हमारा स्ट्रक्चर है वो है, क्या करना है आपको, सबसे पहले बिलीव इट और नॉट को यूज़ करना है, फिर यहाँ पे आपको एनी सेंटेंस यूज़ कर देना है। ठीक है, बिलीव इट और नॉट, फिर यहाँ पे क्या कर देना है, सेंटेंस यूज़ कर देना है। तो इसका मतलब होता है मानो या ना मानो। जैसे यहाँ पे एग्जांपल हम ले लेते हैं, मानो या ना मानो भारत मैच जीतेगा, मानो या ना मानो भारत मैच जीतेगा, कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? बिलीव इट और नॉट। अब देखिए बिलीव इट और नॉट तक तो हमें लिखना ही है, अब उसके बाद हमारा सेंटेंस क्या है, भारत मैच जीतेगा, द इंडिया विल विन द मैच, द इंडिया विल विन द मैच, मतलब मानो या ना मानो भारत मैच जीतेगा। अब जीतेगा मतलब फ्यूचर की बात हो रही है, दैट्स द रीजन दैट यू हैव टू यूज हियर विल। अब जीतने की इंग्लिश होती है विन, अब क्या जीतना है, मैच, तो वहां पे मैच हो जाएगा, एंड द इंडिया, इंडिया इज अ इंडिया आपका सब्जेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इस तरह से इसको बोलना है। अगला एग्जाम्पल है मानो या ना मानो मैंने कल उसे देखा था, मानो या ना मानो मैंने कल उसे देखा था, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? सिंपली आप बोल सकते हैं बिलीव इट और नॉट, आई सॉ हिम यस्टरडे, बिलीव इट और नॉट आई सॉ हिम यस्टरडे, मतलब भरोसा करो या ना करो, मतलब मानो या ना मानो मैंने कल उसे देखा था, बिलीव इट और नॉट आई सॉ हिम यस्टरडे। तो काफ़ी कमाल का स्ट्रक्चर है ये भी, जो कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं, सो यू मस्ट प्रैक्टिस अबाउट इट। नाउ लेट्स टेक मोर एग्जांपल, चलिए और एग्जांपल लेते हैं ताकि ये अच्छे समझ में आ जाए। अगला एग्जांपल है मानो या ना मानो तुम अंग्रेजी सीख सकते हो, मानो या ना मानो तुम अंग्रेजी सीख सकते हो, कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? बिलीव इट और नॉट You can learn English. Believe it or not, you can learn English. Okay, मानो या ना मानो तुम अंग्रेजी सीख सकते हो, मानो या ना मानो मैंने तुम्हें बताया था। सपोज दैट आपने किसी को कुछ बताया था और फिर उसके बाद भूल जाए, फिर वो कहे कि आपने मुझे बताया नहीं था, तो आपने कहा, बहुत ज्यादा जिद करने लगे, तो आपने कहा मानिए या ना मानिए मैंने तुम्हें बताया था या फिर मैंने आपको बताया था, कैसे बोलेंगे? बिलीव इट और नॉट आई टोल्ड यू, बिलीव इट और नॉट आई टोल्ड यू, मतलब मानो या ना मानो मैंने तुम्हें बताया था,
अगला एग्जाम्पल है, मानो या ना मानो मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मानो या ना मानो मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तो इस तरह से आप कई सारे सेंटेंस को इंग्लिश में बोल सकते हैं मानो या ना मानो से। तो आप लोगों को बताना है इसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे। ओके, सिंपली आप बोल सकते हैं बिलीव इट और नॉट, आई एम नॉट टेलिंग अ लाई। बिलीव इट और नॉट, आई एम नॉट टेलिंग अ लाई। मानो या ना मानो मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। बिलीव इट और नॉट, आई एम नॉट, मानो या ना मानो मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। बिलीव इट और नॉट, आई एम नॉट टेलिंग अ लाई। ठीक है, तो ये है आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर जो कि काफ़ी कमाल का है, बहुत ज़्यादा यूजफुल भी है, बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा लोग बोलते हैं इसको, सो यू हैव टू प्रैक्टिस अबाउट इट। चलिए इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले स्ट्रक्चर की ओर एंड देखते हैं आज की हमारी हमारे अगले स्ट्रक्चर की हो। और हमारा अगला स्ट्रक्चर है, अगर आपको कहना हुआ तुम्हारा साथ मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता, या फिर अगर आपको कहना हुआ तुम्हारा पास्ट मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता, या फिर आपको कहना हुआ तुम्हारा काम मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। तो अगर आपको इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने हुए तो कैसे बोलेंगे? इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने के लिए यूज करते हैं, स्ट्रक्चर है जो इस तरह के सेंटेंस को यूज करने का, वो है सब्जेक्ट मीन और मीन्स। यहाँ पे देखिए मीन आप तब लगाएंगे फॉर द प्लूरल एंड मीन्स आप तब लगाएंगे फॉर द सिंगुलर। ठीक है, नथिंग टू मी, यहाँ पे क्या यूज करना है, नथिंग टू मी। अब जैसे इसका मतलब क्या होता है, आप लोगों को तो मैंने बताया ही क्या होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे पहला हमारा एग्जाम्पल है, जैसे अगर कहना हुआ तुम्हारे पास मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता, तुम्हारा पास मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता, कैसे बोलेंगे? योर पास्ट मीन्स नथिंग टू मी, योर पास्ट मीन्स नथिंग टू मी, तुम्हारा पास मेरे लिए मायने नहीं रखता। अगला है, आपकी राय मेरे लिए मायने नहीं रखती, आपकी राय मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता, तो कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? अब ऐसा सेंटेंस तो आप अपनी डेली लाइफ में काफी ज्यादा यूज करते हैं कि तुम्हारा बर्ताव मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता, तुम्हारा बीता हुआ कल मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता, तुम्हारी सोच मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती, ओके, मेरा घर मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। तो जब भी आप इस तरह के सेंटेंस को बोलें तो वहाँ पे आप इंग्लिश में जरूर बोलें, जैसे योर पास्ट, योर वर्क, योर थिंकिंग, योर ओपिनियन, इस तरह से। ठीक है, चलिए अगला क्या है, आपकी राय मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता, सिंपली क्या करना है, योर ओपिनियन मीन्स नथिंग टू मी, योर ओपिनियन मीन्स नथिंग टू मी, मतलब आप उसकी राय मेरे लिए मायने नहीं रखती। बाय द वे यहाँ पे उसकी राय है तो यहाँ पे आपको आपकी राय के लिए आप यहाँ पे यूज करेंगे योर ओपिनियन। ठीक है, अब यहाँ पे उसकी राय मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती, तो कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? हिज ओपिनियन मीन्स नथिंग टू मी, हिज ओपिनियन मीन्स नथिंग टू मी। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले एग्जाम्पल की ओर। अगला एग्जाम्पल है, उसकी बातें मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता, उसकी बातें मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता, कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? हिज टॉक्स मीन नथिंग टू मी, हिज टॉक्स मीन नथिंग टू मी, मतलब उसकी बातें जो है मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। अगला एग्जाम्पल है, अगर आपको कहना हुआ तुम्हारा घर मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता, ओके, तुम्हारा घर मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता, कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? योर हाउस मीन्स नथिंग टू मी, योर हाउस मीन्स नथिंग टू मी। अगला एग्जाम्पल है, तुम्हारा काम मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता, कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? योर वर्क मीन्स नथिंग टू मी, योर वर्क मीन्स नथिंग टू मी। तो जब भी आप बात करें कि कोई चीज मायने नहीं रखती तो वहां पे मीन्स नथिंग टू मी का यूज करना है। ठीक है, तो अभी आपको इस पे प्रैक्टिस करनी है और प्रैक्टिस करके इसको यूज भी करना है, स्पीक भी करना है। जब भी आप इस तरह के सेंटेंस को हिंदी में बोलने जा रहे हो तो वहाँ पे आप इंग्लिश जरूर बोलें, वहाँ पे इंग्लिश का यूज जरूर करें।
ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए और आप अच्छे से सीखते भी रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले स्ट्रक्चर की ओर। तो हमारा अगला स्ट्रक्चर है, अगर आपको कहना हुआ या कोई तरीका है खाने का, या फिर कहना हुआ या कोई तरीका नहीं है, या कोई तरीका नहीं है खाने का, या फिर अगर आपको कहना हुआ या कोई तरीका नहीं है बोलने का, या कोई तरीका नहीं है मुझसे बात करने का। तो जब भी अगर आपको कहना हुआ किसी से कि या कोई तरीका नहीं है ये करने का, तो हमें वहाँ पे यूज़ करना है कौन सा स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे, चलिए देखते हैं। वहाँ पे आपको यूज़ करना है ये बहुत ही कमाल का स्ट्रक्चर, दिस इज नॉट द वे टू। ओके, दिस इज नॉट द वे टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर अदर वर्ड और ऑब्जेक्ट यूज करना है, ठीक है। दिस इज नॉट द वे टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड अदर वर्ड और ऑब्जेक्ट यू हैव टू यूज हियर। इसका मतलब होता है या कोई तरीका नहीं है, जैसे कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे समझते हैं, या कोई तरीका नहीं है मुझसे बात करने का, कैसे इंग्लिश में बोलेंगे, दिस इज नॉट द वे टू टॉक टू मी, दिस इज नॉट द वे टू टॉक टू मी। अगला है, या कोई तरीका नहीं है खाना खाने का, कैसे इंग्लिश, सपोज दैट कोई बहुत ही बेढंग से खाना खा रहा है, तो आपने कहा या कोई तरीका नहीं है खाना खाने का, ठीक है, कैसे बोलेंगे, दिस इज नॉट द वे टू ईट फूड, दिस इज नॉट द वे टू ईट फूड, कोई या कोई तरीका नहीं है खाना बनाने का। अगला एग्जाम्पल है, बढ़ते हैं और एग्जाम्पल की ओर देखते हैं। यहाँ पे अगला एग्जाम्पल है, या कोई तरीका नहीं है लिखने का। अब आपने ऐसा लिखा कि सिर्फ आप ही भूल गए कि क्या आपने लिखा, तो आप बोल, तो कोई भी यूज कर सकता है दिस इज नॉट द वे टू राइट। ओके, या फिर किसी ने ऐसा लिखा कि वो ये सिर्फ पढ़ सके और वो भी ना पढ़ सके, तो आपने कहा या कोई तरीका नहीं है लिखने का, दिस इज नॉट द वे टू राइट। अगला एग्जाम्पल है, या कोई तरीका नहीं है बोलने का, सपोज दैट आपने किसी से बहुत ही रूडली बिहेव किया, तो बहुत ही रूडली टॉक किया, तो आपके पेरेंट्स ने कहा या कोई तरीका नहीं है किसी से बात करने का या फिर बोलने का, कैसे बोलेंगे, दिस इज नॉट द वे टू स्पीक, दिस इज नॉट द वे टू स्पीक। अगला एग्जाम्पल है, यह कोई तरीका नहीं है बताने का, यह कोई तरीका नहीं है बताने का, कैसे इंग्लिश में बोलेंगे, दिस इज नॉट द वे टू टेल, दिस इज नॉट द वे टू टेल। ओके, सो ये रहे आज के हमारे कुछ बहुत ही कमाल के और बहुत ही फैंटास्टिक से स्ट्रक्चर, जो आप अपनी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल में यूज़ करके अपने इंग्लिश को बहुत ही कमाल कर सकते हैं, बेटर कर सकते हैं। तो इस पे आपको प्रैक्टिस ज़रूर करना है अगर आप भी चाहते हैं एक अच्छा खासा इंग्लिश स्पीकर बनना। सो यू मस्ट वॉच दिस वीडियो एंड यू मस्ट प्रैक्टिस अबाउट ऑल दिस। और हम मिलते हैं आज, जैसे कि डे 30 पूरा हो चुका है, सो हम मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में कुछ ऐसे एक्साइटिंग से कंटेंट में लेके आऊँगी आप लोगों के लिए, जिसकी मदद से आप अंग्रेजी फर्राटेदार बोलना सीख जाएंगे। सो बने रहिए हमारी सारी वीडियोस के साथ। टिल देन टेक केयर एंड हैव वंडरफुल टाइम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एवरीवन।